ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे बाप दादा के, मीठे बाबा के। 28 मार्च 2022 के महावाक्य है, मीठे बच्चे, मनुष्य मत पर तो तुम आधा कलप चलते हो, अब मेरी श्रीमत पर चल, पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। मनुष्य मत पर तो तुम आधा कलप चलते हो, अब मेरी श्रीमत पर चल, पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। आज का प्रश्न है, बेहद का बाप बच्चों को कौन सी आशीर्वाद देते हैं और वह आशीर्वाद किन्हों को प्राप्त होती है? उत्तर है, बाबा आशीर्वाद देते हैं, बच्चे तुम 21 जन्म सदा सुखी रहेंगे, अमर रहेंगे, तुम्हें कभी भी काल नहीं खाएगा, अकाले मृत्यु नहीं होगी, कामधेनु माता तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण कर देगी, परंतु तुम्हें इस विष अर्थात विकार से, विकार को छोड़ना पड़ेगा। ये कंडीशन बाबा ने दी है। ये आशीर्वाद उन्हें ही प्राप्त होती है जो श्रीमत पर इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते हैं और बनाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे दुनिया बदल रही है, इसलिए पावन जरूर बनो। तो इस तरह से बाबा, तो मीठे बाबा हम बच्चों को कंडीशन दे रहे हैं, यदि आप पवित्र रहेंगे तो सुखी भी रहेंगे और निरोगी भी रहेंगे, अमर रहेंगे। गीत है आज का, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भगवान के बच्चों ने गीत सुना। अब भगवान के बच्चे तो सभी हैं, जो भी मनुष्य मात्र है सब भगवान को बाबा बाबा कहते हैं। वह सर्व का एक ही बाप है, लौकिक बाप को सर्व का बाप नहीं कहेंगे। बेहद का बाप सर्व का ही बाप है, सर्व का सदगति दाता है, और कोई की महिमा हो नहीं सकती। सभी उस निराकार बाप को याद करते हैं। तुम्हारी आत्मा भी निराकार है और शिव बाबा भी निराकार है, उनकी ही तुमने महिमा सुनी है। परमपिता परमात्मा शिव बाबा, आप ऊंचे से ऊंचे हो, सर्व के सदगति दाता हो, सबकी सदगति करते हो, तो वह स्वर्ग के मालिक देवी देवता बन जाते हैं। मनुष्य मनुष्य की सदगति कभी भी कर नहीं सकते। मनुष्य की कोई महिमा है ही नहीं। अभी तुम बच्चों को बेहद के बाप द्वारा वर्षा मिलता है, आधा कलप तुम प्रारब्ध भोगते हो। उसको रामराज्य कहा जाता है, फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। पांच विकारों रूपी भूत प्रवेश होते हैं। जैसे वह भूत मना कोई इविल सोल अशुद्ध आत्मा प्रवेश करती है, तो वह बेताला बन जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वैसे इन भूतों में भी नंबर वन भूत है काम, जो महाशत्रु है। आधा कलप इस भूत ने तुमको बहुत दुखी बनाया है। अब इन पर जीत प्राप्त कर पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाबा ही सबसे प्रतिज्ञा कराते हैं। बाबा कहते हैं, तुम पावन बनने की राखी बांधो तो 21 जन्म के लिए स्वर्ग पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बनना है 21 जन्मों के लिए, और वो भी विश्व का मालिक। तो बाबा कहते हैं, इस जन्म में आप पवित्रता की राखी बांधो। मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाने। भारत पावन था जब देवी देवताओं का राज्य था, नाम ही सुखधाम था, अभी यह दुख धाम। एक तो काम कटारी चलाते हैं और दूसरा लड़ते झगड़ते हैं, डबल हिंसा चल रही है। एक तो विकार में भी जाते हैं और दूसरा लड़ते झगड़ते हैं, देखो इसलिए इतना दुख है। बाबा आते हैं संगम पर, यह है कल्याणकारी संगम युग। तुम बच्चे सुखधाम में चलने के लिए अपना कल्याण करने आए हो। बाबा कहते, अब मेरी श्रीमत पर चलो, मनुष्य मत पर तो तुम आधा कलप चलते रहे। सदगति दाता तो एक ही बाप है, उनकी श्रीमत से ही तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। बाकी यह शास्त्र तो पढ़ते पढ़ते अब कलयुग का अंत आ गया है, तमो प्रधान बन गए हैं, अपने को ईश्वर कहलाकर अपने ही बैठ पूजा करते हैं। कितनी तमोप्रधानता है, भगवान मैं ही भगवान हूँ, शो हम और खुद की पूजा करने लगते हैं। तो शास्त्रों में प्रह्लाद की बात दिखाई है,
हिरण्यकश्यप बोलता था, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी पूजा करो। तो प्रहलाद जी मानते नहीं थे, उन्होंने कहा अरे विष्णु जी तो अलग है, आप तो आसुर है, आप कैसे भगवान हो सकते हैं। तो फिर कैसे दिखाते हैं, धम्म से नरसिंह भगवान निकले, स्तंभ से, स्तंभ जो होता है तो पिलर से निकले हैं ऐसे बोलते हैं, उसने आकर के हिरण्यकश्यप को मारा। एक कंडीशन डाली थी ना, हिरण्यकश्यप को कोई भी मार नहीं सकता था, ना दिन में ना रात में, ना अंदर ना बाहर, ना कोई नर मार सकता था, ना कोई प्राणी मार सकता था। इसलिए हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह अवतार, दोनों ही अवतार, एक नर भी था और सिंह भी था, लॉयन शेर ऐसा बन करके वो रूप धारण करके उन्होंने क्या किया, ना घर ना बाहर, मना जो दरवाजा था बीच में वहाँ पर ही उसको लेकर के, कोई हथियार से भी नहीं मार सकते थे तो नाखून बढ़ाए थे और नाखून से उन्होंने उसको उसका पेट फाड़ दिया था। तो इस तरह से हिरण्यकश्यप को मार डाला। अब स्तंभ से तो कोई निकलता ही नहीं है, बाकी तो सभी का विनाश तो होना ही है। बाबा कहते हैं इन साधु संत महात्मा अजामिल जैसी पाप आत्माओं का भी उद्धार मैं आकर के करता हूँ। बाबा आकर के ज्ञान अमृत का कलश माताओं पर रखते हैं। माता गुरु बिगड़ किसकी भी सदगति हो न सके। जिन माताओं को साधु संन्यासियों ने गाली दी कि तू ही नरक का द्वार है, ढोर गवार है, क्या क्या बोला, लेकिन भगवान ने आकर के कहा कि तुम ही माता स्वर्ग का द्वार हो, उसको खोलने के लिए निमित्त हो। जगत अम्बा है कामधेनु, सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाली है, उनकी तुम बच्चियां हो। अब बाबा कहते हैं कोई भी मनुष्य मात्र की बातें सुनो ही नहीं, पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, तो जरूर कोई पतित बनाने वाले भी होंगे। रावण राज्य में सभी पतित हैं, अभी वह पतित पावन बाप आया है स्वर्ग का वर्षा देने के लिए। कहते हैं 21 जन्म तुम सदा सुखी रहेंगे। बाबा हम बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं, एक दो जन्म नहीं लेकिन 21 जन्म तुम सदा सुखी रहेंगे, आशीर्वाद देते हैं ना। लौकिक माता पिता भी बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, वह है अल्पकाल सुख के लिए, यह है बेहद का माता पिता। कहते हैं बच्चे तुम सदैव अमर रहो, अमर रहना माना ज्ञान मार्ग में पक्का रहना, कितनी भी बातें आए क्या भी हो। बाबा कहते भगवान को छोड़ना नहीं, बस बाबा का हाथ हाथ में पक्का है, अमर रहो, वहाँ तुमको काल नहीं खाएगा। सतयुग में बाबा कहते हैं तुम्हें कोई काल नहीं खाएगा, अकाली मृत्यु नहीं होगा, सदा सुखी रहेंगे। कामधेनु माता तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। सिर्फ एक कंडीशन है, यदि हमारे मनोकामनाएं पूर्ण होनी है तो एक कंडीशन कौन सी है, विकार को माना विष को छोड़ना पड़े, क्योंकि अपवित्र तो वहाँ चल नहीं सकते हैं, ना सतयुग में चलेंगे ना परम धाम में चलेंगे, इसलिए पवित्र तो है रहना ही है। बाबा कहते हैं मैं तुमको वापस ले चलने आया हूँ, सिर्फ पावन बनो, ऐसे नहीं बच्चे को शादी करानी है। बाबा कहते हैं न अपने को पतित करना है, न दूसरों को पतित होने देना है, इस मृत्यु लोक में अंतिम जन्म पवित्र जरूर बनना है, तब अमर लोक चलेंगे। बाबा अवैध आत्माओं को समझाते हैं, आत्मा ही धारणा करती है। बाबा कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो ना, भगवान को भी नाज है मेरे बच्चे हैं, तुम आत्माएं परम धाम में रहती थी, अब मैं फिर तुमको ले चलने के लिए आया हूँ, जो पवित्र बनेंगे उनको साथ ले चलूँगा, फिर वहाँ से तुमको स्वर्ग भेज दूँगा। पवित्र हमारा घर भी पवित्र धाम है ना, परम धाम। मीरा ने भी विष का त्याग किया तो उनका नाम कितना वाला हो गया, देखो
भक्त में नंबर वन भक्त महिलाओं में, नारियों में संत मीराबाई, उन्होंने भी विष का त्याग किया तो कितना उनका नाम बाला हो गया। बाबा कहते बच्चे अब पुरानी दुनिया बदल नहीं बनने वाली है, नई दुनिया में देवताएं राज करते थे, मैं ब्रह्मा द्वारा तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, तुमको श्रीमत देता हूँ, श्रेष्ठ देवता बनने के लिए कृष्णपुरी में चलना है। श्री कृष्ण की देखो कितनी महिमा है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, फिर डबल अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, हमारे मत पर चलेंगे तो ऐसा ही लक्ष्मी नारायण बनेंगे। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया होगा वही श्रीमत पर चलेंगे, नहीं तो आसुरी मन मत पर चलते रहेंगे। यह बाबा भी उस निराकार से ही मत लेते हैं, ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा से ही मत लेते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर तुमको मत देते हैं, पूछना तो चाहिए मैं क्या करूँ। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा से या ब्राह्मणियों से पूछते थे, जाओ जाकर के संदेश लेकर के आओ, मैं क्या करूँ, मैं हॉस्पिटल जाऊँ या नहीं जाऊँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, बाबा मुझे परमिशन देते हैं क्या नहीं देते, देखो तो बहन बताती थी अभी रेड झंडी बाबा दिखा रहे हैं तो नहीं जाना, हरी झंडी शिव बाबा ने दिखाई है तो आपको जाना है बाबा। तो इस तरह से पूछ करके शिव बाबा से राय लेते थे ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कहते हैं बच्चे एक है साचन अथवा भगवान, मनुष्य को कभी भी भगवान नहीं कह सकते हैं, ये उल्टी मत तुमको मिली हुई है इसलिए तुम्हारी ऐसी दुर्गति हो गई है, मैं ही एक पार करने आया हूँ, ये गुरु लोग मेरे धाम को नहीं जानते तो मेरे पास कैसे ले आएंगे, मनुष्य तो जहाँ भी जाएंगे माथा टेकेंगे, इसलिए मैं स्वयं ही लेने को आया हूँ, फिर तुमको स्वर्ग धाम में भेज दूँगा। बाबा कहते हैं कि मनुष्यों को या गुरुओं को परम धाम का रास्ता पता ही नहीं है तो वो कहाँ ले आएंगे, मुझे पता है मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। वो है विष्णुपुरी सूर्यवंशी, त्रेता को कहा जाता है रामराज्य, उसके बाद शुरू होता है रावण राज्य द्वापर में, तो भारत शिवालय से वैशाली बन जाता है, यही भारत संपूर्ण निर्विकारी था, यही भारत संपूर्ण विकारी बनता है। अब तुम बच्चे राजयोग सीख सारे विश्व पर जीत प्राप्त कर लेते हो। दो बंदरों की भी कहानी है, वो आपस में लड़ते हैं रशिया और अमेरिका, और माखन बीच में भारत को मिलता है। तुम केवल शिव बाबा और स्वर्ग को ही याद करो, दूसरा कोई काम ही नहीं है हमें, संगम युग में एक ही काम है, एक तो शिव बाबा को याद करना वो भी परम धाम में जाकर, और दूसरा है सतयुग को याद करना। घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे, पवित्रता पर ही अत्याचार होते हैं, कल्प पहले भी हुए थे अभी भी होंगे जरूर, क्योंकि तुम क्यों यहाँ पर अत्याचार होते हैं, क्योंकि यहाँ जहर नहीं मिलता है, जहर माना विकार गाया हुआ है, अमृत छोड़ विष काय को खाए, है ना, अमृत पीते पीते तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। जो पक्के ब्राह्मण होंगे वह तो कहेंगे चाहे कुछ भी हो परंतु हम विष नहीं देंगे, कितना सहन भी करते हैं तब तो ऊंच पद पाते हैं, शिव बाबा को याद करते करते प्राण भी छोड़ देते हैं। आज आशा दीदी बता रहे थे सुंदरी दीदी को, सुंदरी बहन जी, उनको ज़बरदस्ती से घर लेके गए, शादी भी कराई, उनको घर में बंद करके रखा, बहुत अत्याचार किए और उसमें मार खाते खाते बाबा 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 करते उसने प्राण त्याग दिए, मर गए उसमें, वो इतना मारा था उसको लोगों ने, ब्रह्मा कुमारी में जाती है करके। तो बाबा कहते हैं उसको भगवान के लिए उसने अपनी जान दी तो भगवान उसको कितना ऊंच पद देगा, पवित्रता के लिए उसने कितना बड़ा कदम उठाया। शिव बाबा का फरमान है, फरमान तो सबको है, इसलिए कहते हैं मुझे याद करो तो तुम मेरे पास परम धाम में आ जाएंगे। शिव बाबा इस मुख द्वारा तुम आत्माओं से बात करते हैं, ये भी मनुष्य है, मनुष्य कभी भी मनुष्य को पावन नहीं बना सकता है।
बाबा को बुलाते हैं, पतितों को आकर के पावन बनाओ, तो मुझे जरूर पति दुनिया में ही आना पड़े, क्योंकि यहाँ कोई पावन तो है नहीं। अब बाबा कहते हैं, मैं तुमको इस श्री कृष्ण जैसा पावन स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अगर कोई कहता है कि मैं बंधन में हूँ, तो बाबा क्या करेगा? बंधन तो खुद को ही छोड़ना है। मैं ही बंधन में बंधी हूँ और बोल रही हूँ औरों को, आओ आओ मुझे छोड़ा। बाबा कहते, अरे तुम छोड़ो ना ये बंधन, छोड़ो तो छूटे। तुमको तो ज्ञान मिलता है, गृहस्थ व्यवहार में रहते श्रीमत पर चलो तो तुम श्रेष्ठ बनेंगे, तुम सब ईश्वरीय परिवार के हो। शिव बाबा, ब्रह्मा दादा, तुम ब्राह्मण, ब्राह्मणिया, पोत्रे, पोत्रिया, तुम सबको स्वर्ग का वर्षा बादशाही मिलती है। बाबा देते हैं स्वर्ग का वर्षा, तो हम बाबा के वारिस ठहरे, तो जरूर हम स्वर्ग में होने चाहिए, फिर हम नर्क में क्यों? बाबा समझाते हैं, रावण राज्य के कारण तुम नर्क में पड़े। क्यों नर्क में पड़े हैं? रावण राज्य के कारण। अब मैं आया हूँ तुमको स्वर्ग में ले चलने के लिए। बाबा है खिवैया, सबको पार ले जाते हैं। श्री कृष्ण कोई सबका बाप तो है नहीं, याद एक को ही करना है, अनेकों को याद करना माना भक्ति मार्ग है। एक बाप को याद करेंगे तो अंतमति सो गति हो जाएंगी। एक बाप की ही श्रीमत गाई हुई है, न कि अनेक गुरु गोसाई की। वो तो कह देते भगवान नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई भी चीज़ होती नहीं। आकाश पोलार है फिर भी नाम तो है ना। अभी ये भारत कितना कंगाल है, देवाला मारा हुआ है। बाबा कहते हैं, जब ऐसी हालत हो जाती है तो मैं आकर भारत को सोने की चिड़िया बना देता हूँ। भंबोर को आग तो लगनी ही है, पुरानी दुनिया सारी खलास हो जाएगी। तुम बच्चे श्रीमत पर स्वर्ग की राजधानी स्थापन कर रहे हो, ये है ईश्वरीय पढ़ाई। बाकी सब है आसुरी पढ़ाई। इस पढ़ाई से तुम स्वर्गवासी बनते हो, उस पढ़ाई से तुम नर्कवासी बनते हो। अब दैवी झाड़ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा, माया के तूफान भी बहुत लगते हैं। अब बाबा कहते हैं, यह है दुख धाम। अब तुम मुझे याद करो, परम धाम को याद करो और सुख धाम को याद करो, तो बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा आते हैं दुख धाम से शांति धाम ले जाने के लिए, फिर सुख धाम में भेज देंगे। अब दुख धाम को भूलते जाओ और शिव बाबा को और वर्षे को याद करो, दो काम करने हैं। दुख धाम को भूलना है माने सुख धाम को याद करना है, और दूसरा बाबा को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है, परमात्मा करण करावन हार कैसे हैं। बहुत मनुष्य ऐसे समझ बैठे हैं, यह जो अनादि बना बनाया ड्रामा, सृष्टि ड्रामा चल रहा है, वो सारा परमात्मा चला रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं, मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं, करण करावन हार स्वामी, सब कुछ परमात्मा ही करता है, सुख दुख दोनों भाग परमात्मा ने बनाया है। अब ऐसे बुद्धि वालों को कौन सी बुद्धि कहा जाएगा? सुख दुख भगवान ही देते हैं, ऐसे थोड़ी है। सुख देने वाले कर्म करेंगे तो सुखी होंगे, दुख देने वाले कर्म करेंगे तो दुखी होंगे। पहले पहले उन्हों को ये समझना जरूर है, ये अनादि बनी बनाई सृष्टि का खेल, वो परमात्मा जो अब बनाता है वही चलता है। जिसको आप कहते हैं यह बनी बनाई का खेल ऑटोमेटिक चलता ही रहता है, तो फिर परमात्मा के लिए भी कहा जाता है यह सब कुछ परमात्मा ही करता है। यह जो परमात्मा को करण करावन हार कहते हैं, यह नाम भी कौन सी हस्ती के ऊपर पड़ा है? मातेश्वरी पूछ रहे हैं। अब इन बातों को समझना है, पहले तो यह समझाना है, समझना है यह जो सृष्टि का अनादि नियम है वो तो बना बनाया है। जैसे परमात्मा अनादि है, माया भी अनादि है, तीन बातें ना सांख्य शास्त्र में भी कही है, आत्मा परमात्मा और ये प्रकृति, तीनों अनादि अविनाश है। इनको कोई किसी ने बनाया नहीं है, ये बनी बनाई है, और इनके ऊपर ही पूरा सृष्टि का खेल चलता रहता है।
जैसे बीज में अंडरस्टूड वृक्ष का ज्ञान है ना, और वृक्ष में अंडरस्टूड बीज है, दोनों कंबाइंड है, दोनों अविनाशी है। बाकी बीज का क्या काम है? बीज बोना, झाड़ निकलना। बीज हमने बोया, झाड़ निकल आएगा, ये तो नियम है। अगर बीज न बोया तो वृक्ष भी उत्पन्न नहीं होता। तो परमात्मा भी स्वयं ही सारी सृष्टि का बीज रूप है और परमात्मा का पाठ है बीज बोना। परमात्मा ही कहते हैं मैं परमात्मा हूँ तभी जब बीज बोता हूँ। बाबा कहते हैं मैं ज्ञान का बीज जब आप में बोता हूँ तभी मैं परमात्मा कहलाता हूँ। अगर बीज नहीं बोया जाए तो वृक्ष कैसे निकलेगा? मेरा नाम परमात्मा ही है, तब जब मेरा परम कार्य मेरी कार्य ही है जो मैं खुद पाठधारी बन बीज बोता रहता हूँ, ज्ञान का हो या गुणों का हो। सृष्टि की आदि भी करता हूँ, देखो बाबा कहते हैं सृष्टि की आदि भी करता हूँ ब्रह्मा के द्वारा और अंत भी करता हूँ। मैं करणधारी बन बीज बोता हूँ। बीज बोने का मतलब है रचना करना, पुरानी सृष्टि की अंत करना और नई सृष्टि की आदि करना, इसको ही परमात्मा सब कुछ करता है ऐसे कहते हैं। समझ में आया ना? नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश, तो इस तरह से धारणा के लिए आज का मुख्य सार है। ज्ञान और योग से अपने बंधनों को काटना है, इस दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। कुछ सहन करना पड़े, प्राण भी त्यागने पड़े पवित्रता के लिए, तो भी बाप ने जो पावन बनने का फरमान किया है उस पर चलना है। पतित कभी भी नहीं बनना है। आज का वरदान है ब्राह्मण सो फरिश्ता सो जीवन मुक्त देवता। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो जीवन मुक्त देवता बनने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। कोई भी आकर्षण नहीं होना चाहिए। संगम युग पर ब्राह्मणों को ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है। कौन है हम सभी? फरिश्ता बन रहे हैं। फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुरानी देह से कोई रिश्ता नहीं, कोई आकर्षण नहीं, तीनों से मुक्त। इसलिए ड्रामा में पहले मुक्ति का वर्षा है फिर जीवन मुक्ति का। तो फरिश्ता अर्थात मुक्त और मुक्त फरिश्ता ही जीवन मुक्त देवता बनेंगे। जब ऐसे ब्राह्मण सो सर्व आकर्षण मुक्त फरिश्ता सो देवता बनो तो प्रकृति भी दिल जान सीख व प्रेम से आप सबकी सेवा करेगी। क्या बात है, सभी बातों से हम सभी आकर्षणों से मुक्त बनेंगे तो ये प्रकृति भी हमारी जान व सीख से प्रेम से क्या करेगी? सेवा करेगी। आज का स्लोगन है अपने संस्कारों को ईजी अर्थात सरल बना दो तो सब कार्य ईजी हो जाएंगे। कोई भी टाइट नहीं होना है, आपने सभी कार्यों को ईजी करना है, सफल करना है तो बाबा कहते अपना स्वभाव भी आप संस्कार भी ईजी बना दो। अच्छा, ओम शांति, हैव अ नाइस डे। आज प्यारे बाप दादा की पधरावणी भी है, हम सभी बाप दादा से मिलन भी मनाएंगे। ओम शांति।